चले रेस शुरू होने के टाइम तो ये लाइन में खड़े हो जाओ ये चार लाइन में पीछे पीछे चल जाओ पीछे 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 चल जाओ चार लाइनें करके पीछे चल दूर दूर प्रॉपर डिस्टेंस वो आपका फिनिशिंग पॉइंट है ठीक है। पांच राउंड करने हैं आपको 6.5 मिनट में और आपका अपना अपना टाइम है। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। तो ये फर्स्ट लाइन तैयार है? यस सर। तो ये फर्स्ट लाइन जो है रेडी हो जाए। फर्स्ट लाइन कोई बात नहीं बाकी वाले रुकेंगे। ये सेकंड लाइन अपना अपना टाइम है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। जो यहाँ पे भर्ती चल रही है इसके बारे में बता दीजिए। ये भर्ती जो है एक स्पेशल एक रिक्रूटमेंट ड्राइव है दो बॉर्डर बटालियंस के लिए। आप सभी जानते हैं कि 2018 में एक काफ़ी LC और इंटरनेशनल बाउंड्री पे ऊपर एक काफ़ी शेलिंग वगैरह हुई थी और उसके बाद में सेंटर की टीम यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने देखा कि एम्प्लॉयमेंट की बड़ी समस्या है और ख़ासकर जो बॉर्डर के लोग हैं उनको ज़्यादा इसका जो डैमेज होता है बिकॉज़ उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है जब शेलिंग वगैरह होती है। तो एक ये सोचा गया कि इनके लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट की जाएगी। उसी के तहत ये जो है रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन इशू हुई और ये हमने स्टार्ट किया था मार्च 19 में इसकी जो है नोटिफिकेशन शुरू हुई और इसका प्रोसेस शुरू हुआ और हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे और बीच में पेंडेमिक आ गया लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर फरवरी में फिर इसको हमें सस्पेंड करना पड़ा। उस वक्त हम जम्मू का जो बॉर्डर एरियाज है उसका कर रहे थे, कंक्लूजन पे ही था, कुछ एरिया रहते थे। बाद में हमने उसको फिर टेकअप किया जब पेंडेमिक कम हुई, दिसंबर में हमने उसको कंक्लूड किया और अब जो है ये फेज़ जो है कश्मीर वैली के लिए है। इसमें तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बारामूला, बांडीपुरा और कुपवारा। यहाँ के जो लोग जो कि 0 से 10 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं बॉर्डर पे LC के ऊपर और उसका जो है एक प्रॉपर सर्टिफिकेट इशू होता है रेवन्यू डिपार्टमेंट SDM साहब करते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। जी मेरा नाम तारिक अहमद लोन है जी, मैं गुरेज वादी का रहने वाला हूँ जी, मैं गुरेज से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक छोटा सा गांव है शाहपुरा वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो सर ये जो भर्ती है सर, आज से पहले बहुत सारी भर्तियाँ दिए तो किसी में कोई सिलेक्शन नहीं हुई सर। तो हर कोई चाहता है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो, हर एक घर में तीन तीन चार चार मतलब लोग बेरोज़गार बैठे हैं। मतलब हम भी चाहते हैं कि ऐसी भर्तियाँ हर साल में आ जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी हर साल में मिले हमें। तो इंशाल्लाह हमने रेस क्वालिफाई किए, इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। यूथ को हम यही मतलब मैसेज देते हैं कि जो भी बच्चा गलत या ड्रग्स करते हैं, जो मतलब गलत कामों में लगे हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि आप ऐसे ये काम ना करें, ऐसी भर्ती में हिस्सा लें, ऐसी भर्ती का हिस्सा बन जाए, ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए। तो यही कहना चाहता हूँ यूथ को सर।